बड़ी खबर राजस्थान के दौसा से आ रही है। आपको बता दें, बस ने राहगीर को मारी टक्कर, राहगीर की मौके पर ही हुई मौत। मानपुर तिराहे पर हुआ है हादसा, जहां मृतक करण सिंह था, पाचोली का निवासी। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। मानपुर थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से, जहां बस ने राहगीर को टक्कर मार दी और टक्कर लगने से राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मानपुर तिराहे के पास यह हादसा हुआ है, जहां मृतक करण सिंह पाचोली का निवासी था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राधेश्याम गुजर हमारे साथ जुड़े हैं। राधेश्याम, आपसे जानना चाहेंगे, राहगीर की मौत हुई है, क्या कुछ वजह रही हादसे के पीछे? जी, मैं बता दूं कृतिका आपको, ये करण सिंह गुजर जो है एक बुजुर्ग आदमी है, और इस समय क्या है कि घना कोहरा छाया हुआ है क्षेत्र में, और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, तो रात से ही कोहरा छाया हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से वाहन दिखा नहीं हो, और वाहन नहीं दिखने की वजह से सड़क क्रॉस करते समय उसकी जो वो बस की चपेट में आने से मौत हो गई। जी राधेश्याम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, उसके हादसे के बाद में मृतक जो है वो सबको कब्जे में लेकर उसको बोर्चरी में रखवा दिया है, और परिजनों को सूचना दे दी गई है। अब आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, और जो है आगे की जो प्रक्रिया है पुलिसिया, वो कार्रवाई पूरी होगी। जी धन्यवाद राधेश्याम इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं खबरों के साथ।